ठीक है इतिहास विजिबल है। हाँ डिंपल स्टार्ट करिए। यस सर, इसमें जो पहला क्वेश्चन था 8 10 x 10 की मैट्रिक्स, ये सुबह भी डिस्कस हो गया था सर, ये करना है डिस्कस दोबारा से। अच्छा इस डिस्कस हो गया था, ठीक है, यस नहीं सर। छोड़ दीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 था कि ए मैट्रिक्स दी थी 5 x 5 की, और डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 3i दिया हुआ था 0, और ठीक रैंक है ऑफ ए इज इक्वल टू 1 दी है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 4i बताना है। तो इसमें सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 3i 0 दिया है, तो इसका मतलब ए माइनस 3i के पास एक ना एक आइगन वैल्यू पक्का पक्का 0 होगी। तो दूसरी बात है कि रैंक ऑफ ए जो है वो 1 दी हुई है, इसका मतलब ए के पास जो मैट्रिक्स ए है उसके पास सिर्फ एक ही रो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है। तो एक मैट्रिक्स मैंने ले ली थी 3 0, बल्कि डायगनल मैट्रिक्स 3 0 0 0, बल्कि फर्स्ट एंट्री 3 और बाकी सारी 0 0 डायगनल मैट्रिक्स। तो ठीक है। वो जो मैट्रिक्स है वो अगर आप देखें उसकी आइगन वैल्यू 3 0 0 0 आ जाएगी, और जो ए माइनस 3i की आइगन वैल्यूज होंगी उसमें एक आइगन वैल्यू 0 आ जाएगी। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ए माइनस 3i का डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, और रैंक ऑफ ए भी 1 1 है क्योंकि ए की लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है। तो क्योंकि जो क्योंकि ए जो मैट्रिक्स है वो गिवन हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब जो रिजल्ट है उसके लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो मैंने फिर सर ए माइनस 4i की जो आइगन वैल्यूज निकाली, जो कि आई थी -1 -4 -4 -4 और -4, 4 बार -4 और 1 बार -1। तो वहां से मैंने डिटर्मिनेंट निकाला तो वो -256 आया, मतलब सी आंसर था इसका। कोई बताना चाहेगा इसको, इस क्वेश्चन को? सैनी, इस क्वेश्चन को आप बताना चाहेंगे? इन्होंने तो बता दिया, नो सर, कैसे बताएंगे आप इसको? नहीं बताएंगे? नहीं सर, मैंने नहीं किया था। इन्होंने जो बताया आपको समझ आया? यस सर। अच्छा, तो वही बता दीजिए जो समझ आया। सर सबसे पहले 5 x 5 की मैट्रिक्स ली 3 0 0 0, जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रही है कि जिसका डिटरमिनेंट 0 होगा और रैंक 1 होगा। उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालिए ए माइनस 4i का, और जो -256 आएगा। अच्छा, मतलब ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 3i इक्वल टू 0 दिया है। इसका क्लियर कट मीनिंग ये है कि ए का आइजन वैल्यूज तो 3 है ही ना। यस ए सर। का आइजन वैल्यू 3 है और हमें चाहिए टोटल 5 आइजन वैल्यूज, क्योंकि 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ए का आइजन वैल्यू 3 है, रैंक दिया है 1 है। तो अगर एक आइजन वैल्यू 3 हो गया और रैंक जो है इसकी, तो बाकी जो 4 आइजन वैल्यूज होंगे वो 0 होंगे, है ना। सर तो इसकी एक आइजन वैल्यूज 3 और 4 आइजन वैल्यूज 0, एक ही। तो एक ही अगर, तो उसके अकॉर्डिंग ए माइनस 4i है ना। तो ए यस सर, माइनस 4i की जो आइजन वैल्यूज होंगी वो क्या क्या होंगी? -1 -4 -4 -4 -4 मतलब -4 4 टाइम्स और -1, है ना। तो1। यस सर। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, डिटरमिनेंट आ जाएगा, यही ना। सर चलिए ठीक है, ठीक है। डिम्पल आगे बताइए तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 मैट्रिक्स दिए इसका हैं। -256 आएगा सानी, ठीक है ना। यस सर। सी आंसर आएगा, ठीक है। थर्ड। सर ए और बी 2 मैट्रिक्स दी है, और दोनों सर स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, हाँ। तो सर इसका मतलब दोनों नीलपोटेंट मैट्रिक्स होंगी। तो हम जो हमको फाइंड आउट करना था कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए और बी निकालना था, और मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए और बी, क्योंकि ए और बी दोनों नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो इनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाएगा x^2 इनका ऑर्डर। तो 5 x 5 की मैट्रिक्स है दोनों, तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो x^5 आ जाएगा। दोनों का x^5 कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आ जाएगा, ठीक है। ये सर मिनिमल पॉलिनोमियल सर इनका, क्योंकि इंडेक्स इनका 2 है, 2 इंडेक्स की, दोनों का इंडेक्स सर, ए का भी इंडेक्स और बी का भी इंडेक्स 2 है।
अच्छा तो मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर आ जाएगा सर दोनों का। ठीक है, चलिए मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया x^5 और मिनिमल पॉलिनोमियल हो गया इसका एक्स स्क्वायर एक्स दोनों का, ठीक है। रैंक दोनों की रैंक्स एक ही एक दो, ही सर एक दो है, एक की एक एक है, एक तो सिमिलर नहीं होगी सर क्योंकि रैंक डिफरेंट है। मतलब सिमिलर नहीं होगी। चलिए सब आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हितेश ठीक है, समझ आया? यस सर, पीयूष यस सर, ठीक है। कुछ आप बोलना चाहेंगे? नहीं सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ऊपर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर प्लीज। 4 का सर मैट्रिक्स दी थी और बताना था कि कौन कौन सी डायगोनलाइजेबल है। तो हाँ फर्स्ट मैट्रिक्स सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यू सर इसकी डायगोनल एंट्रीज हो जाती हैं, तो इसकी आइगन वैल्यूज आएंगी सर 1, 2 और 3 और डिस्टिंक्ट हो गई, पहला सारी की सारी डिस्टिंक्ट है तो डायगोनलाइजेबल है ये। डायग्नोजेबल है, ठीक है। दूसरा बी भी दूसरा सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया है और इसकी आइगन वैल्यू हाँ दी है 1, 2, 2। 2 की हाँ जो जो अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो 2 है, तो हाँ ठीक है। अगर मैं रैंक ऑफ ए माइनस 2i निकालूंगा यस तो 2 आ जाएगा। सर रैंक 2 आ जाएगी, इसका मतलब नलिटी 1 है, इसका मतलब कि जो जीएम ऑफ 2 है वो 1 आ जाएगा और नॉट इक्वल टू एएम ऑफ 2। मतलब इसके लिए 2 का AM और 2 का GM इक्वल नहीं है, इसका मतलब बी यस डाइवर्जेबल नहीं है। सर डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। सी वाला सी में सर आइगन वैल्यूज 1, 2, 2 थी, इसमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वैसे ही जैसे रैंक ऑफ ए माइनस 2i करेंगे तो उस केस में रैंक सर जो वो 1 आ जाएगी, तो इसका मतलब जी एम नलिटी टू ऑफ जी ये सर एम टू आ जाएगा, इसका मतलब GM2 आएगा जो कि AM के बराबर है, तो ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। ठीक तो है। सी सी इसका आंसर था सर। साइनिंग क्या समझ आया, जरा बताइए, एक्सप्लेन करिए। साइनिंग हाँ साइनिंग यस सर। ये एक्सप्लेन करिए क्वेश्चन नंबर 4। सर जो ऑप्शन ए है उसमें आइगन वैल्यूज है 1, 2, 3, वो डिस्टिंक्ट है तो वो डायग्नलाइजेबल मैट्रिक्स होगी। जो ठीक है ऑप्शन बी बी में है उसमें जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है 2 की वो 2 है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो वो बराबर नहीं है तो वो नहीं होगी। ठीक है सी में सी में AM जो है वो 2 का 2 है और GM जो है वो भी 2 है तो ये होगी। मतलब ए और सी करेक्ट है, यस सर। ठीक है वेरी गुड। फिफ्थ नंबर फिफ्थ सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी, तो इसकी आइगन वैल्यू सर 1 और 3 है, तो फिर सर मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स निकाले ए माइनस निकाल लिए, थ्री ठीक आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करके, है तो वहां से इक्वेशन बन जाएगी, उनको सॉल्व करके एक ही आइगन मिल वेक्टर जाएगा, 1 1 एक आइगन वेक्टर आ जाएगा 1 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक तो है। उसी तरह से दूसरा आइगन वेक्टर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग वो आ जाएगा 1 0। उनको सर एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट के जिनके कॉलम सर वो जो 2 आइगन वेक्टर्स है, तो वो ठीक है। पी आ जाएगी सर 1 1 और 1 0, तो पी मतलब इनवर्स ये यस मतलब मिल गया आपको, मतलब कहने का ये है कि आपने आइजन वेक्टर निकाले और उसके करस्पॉन्डिंग आपने मैट्रिक्स बना ली तो पी आ गया ना, यस सर और वो नॉन सिंगुलर भी है और डायगोनलाइज भी करता है, ठीक है। चलिए यस इसके बाद आगे। सर सिक्स्थ क्वेश्चन में जो पहली पहली जो मैट्रिक्स दी हुई थी सर, इसमें हाँ जो हाँ आइगन वैल्यू आएगी सर वो एक में 9 आ जाएगी, एक आइगन वैल्यू 9 आ जाएगी और 2 0 0 आ जाएंगी, हाँ ठीक है। तो 1 9 आ जाएगी, जीरो बाकी 2 0 आ जाएंगी। तो जब हम
रैंक ऑफ ए माइनस जीरो आई करेंगे, मतलब कि रैंक ऑफ ए ही, तो वो वन आ जाएगी, इसका मतलब जी एम ऑफ जीरो वो टू है। तो इसका मतलब सर जो जीरो की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों बराबर है, तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। ठीक है अंशिका, आप इसको एक्सप्लेन करेंगी जो इन्होंने बताया सिक्स को, पहला वाला। आवाज नहीं आ रही अंशिका। पीयूष आपको आवाज आ रही मेरी? यस सर। पीयूष जी सर। इन्होंने बताया जो, उसको एक्सप्लेन करिए। ए वाला कह रहे हैं ये डायगोनलाइजेबल है। यस सर। यस सर, इसमें ए मैट्रिक्स दी हुई है 3-3-3, तो सर इसको हम 3 बाहर निकाल सकते हैं और यूनिटरी मैट्रिक्स आ जाएगी 1-1-1-1-1, तो वहाँ से सर आइगन वैल्यूज हो जाएगी ए की 9, 0 और 0। तो फिर सर 9 तो इसकी एम 1 है तो जी एम भी 1 होगी। फिर 0 के लिए देखने जाएंगे जी एम, तो यहाँ पे लेमडा 0 है तो इसका मतलब ए की रैंक देखेंगे, ए की रैंक क्लियरली 1 है, तो इसका मतलब जी एम ऑफ लेमडा इक्वल टू 0 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब एम और जी एम इक्वल है लेमडा इक्वल टू 0 के लिए भी, तो इसका मतलब ए जो है डायगोनलाइजेबल है। यही बात इन्होंने ही बताई डिंपल ने भी। यस सर। हितेश आप कुछ और बताएंगे? नहीं सर, यही लॉजिक लगाया था मैंने। सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है ना, तो डायरेक्ट सिमेट्रिक भी। एक एक और काम कर सकते हैं, इसमें से 9 बाहर कर दीजिए, 9 कॉमन कर लीजिए इस मैट्रिक्स में से, तो हर एंट्री क्या होगी सर? 1-1-1 हो जाएगी। 9 कॉमन किया मैंने, 9 9 1/3 1/3। ठीक है सर, 1/3 1 सारी एंट्री 1/3 होगी। तो मैंने एक सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिया था, उसको ध्यान से देखिए कि एक मैट्रिक्स जिसकी ठीक सारी है सर, आइडेंपोटेंट। जिसकी सारी एंट्री 1/n होती, जिसकी सारी एंट्री 1/n होती है वो आइडेंपोटेंट होता है ना? तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो 9 times आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है। यस सर, सही है ना? और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होती है, डायगोनलाइजेबल होता है, तो ये भी डायगोनलाइजेबल हो गया। यस सर। यूज़ ठीक है ये कॉन्सेप्ट? नहीं ठीक है सर, सिमेट्रिक भी है ना सर, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। नहीं लेकिन ये वाला देखिए तो इस तरह आइडेंटिटी वाला यूज करिए, सिमेट्रिक वाला जरूरत पड़ेगी, सिमेट्रिक वाला यूज करने के लिए। हाँ सेकंड बताइए डिंपल। सर सेकंड मैट्रिक्स तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स थी ना, तो फिर डायगोनलाइजेशन। हाँ ये पहचान लिया इन्वोल्यूटरी कैसे है? साइनी से पूछते हैं, साइनी कैसे पता चला कि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है? साइनी? यस सर। कैसे पता चला कि ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है? अब इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी तो वो डायगोनलाइजेबल होगी। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है साइनी? सर ए ए डैश इज इक्वल्स टू आई। साइनी बोलिए। सर ए ए डैश इज इक्वल्स टू आई इन्वोल्यूटरी। इन्वोल्यूटरी होता ही है। सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए जरा, जो दो पेज दिया मैंने उसमें देखिए कहीं दिख रहा है इन्वोल्यूटरी? सर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। तब क्यों बोल रही थी? तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ठीक है। अब मुझे बताइए कुछ सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखिए, उसमें कोई तरीका है जिससे पता चल सके कि वो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है? जो दो पेज दिया है मैंने उसको पढ़िए जरा एक बार, देखिए कोई तरीका है। सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उसमें इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में कोई जिक्र है? यस सर।
बताइए सर, बोला कि ए मतलब सारे एलिमेंट जीरो होंगे एक्सेप्ट जो जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, और भी कुछ होगा? जो फर्स्ट मतलब एलिमेंट होगा वो रेसिप्रोकल होगा, मतलब जो लास्ट में एलिमेंट होगा. बस मतलब ये है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, उसमें आपके पास नॉन जीरो एंट्रीज होनी चाहिए ना. तो एक है 75 1 और 1/75. yes, तो sir. दिख रहा है कि इसमें रेसिप्रोकल दिख रहा है, 75 है तो 1, फिर 1/75 हो गया. yes, sir. तो ये इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है. ठीक है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स जो है डायगोनलाइजेबल होता है. yes, sir. ठीक है डिंपल, थर्ड नंबर बताइए. सर थर्ड नंबर तो ये नील पोटेंट मैट्रिक्स थी ना इंडेक्स 2 की, तो डायगोनलाइजेबल नहीं है, नॉन नल नील पोटेंट मैट्रिक्स है, इस वजह से डायगोनलाइजेबल नहीं है. नल मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है, ये तो नहीं है. ठीक है, फोर्थ नंबर. सर फोर्थ नंबर इसकी जो ज्योमेट ए सर वन आइगन वैल्यू है इसकी, जो जिसकी अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो मैंने तो जीएम निकाला था सर वन का भी, वो भी 2 ही आ रहा था, तो डायगोनलाइजेबल. ठीक है, तो इसका ऑप्शन मतलब इसमें कौन कौन सा सही हुआ? साइनी कौन कौन सा सही सर, हुआ? सर ए बी और डी. ठीक है, ए बी डी करेक्ट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ए स्क्वायर मैट्रिक्स दी थी ऑर्डर 3 की, सच दैट ए क्यूब इज इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब सर कि जो अगर ए क्यूब 0 हो रहा है, इसका मतलब नील पोटेंट मैट्रिक्स है इंडेक्स 3 की, इंडेक्स 3 की और नॉन 0 है क्योंकि ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0. हाँ, तो सर पहली बात तो सर डायगोनलाइजेबल तो नहीं होगी. हाँ डायगोनलाइजेबल नहीं होगी क्योंकि तो, क्योंकि नॉन क्योंकि क्योंकि ये नॉन नल इंपोर्टेंट मैट्रिक्स है, इस वजह से डायगोनलाइजेबल नहीं है. तो पहला सर पहला रॉन्ग हो गया सर, दूसरा सही हो गया, बी करेक्ट है, फिर चौथा भी, क्योंकि इसकी सर आइगन वैल्यू सारी 0 0 0 आ जाएंगी, तीन आइगन वैल्यू, तो तो 5i+a की अगर हम आइगन वैल्यू निकालेंगे वो 5 5 5 आ जाएगी, 125 हो जाएगा, तो डी भी करेक्ट हो जाएगा सर. ठीक है. तो और मतलब ए के पास सब भी इसका ठीक, क्योंकि ए के पास नॉन जीरो आइजन वेक्टर भी होगा ही सर. तो ये आपके कहने के अकॉर्डिंग ये हुआ कि ए क्यूब इज इक्वल टू 0 है, ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये नॉन नल निलपोटेंट मैट्रिक्स है 3 इंडेक्स का, और इस वजह से ये डायगोनलाइजेबल नहीं है. दूसरा, इसके पास जो आइजन वैल्यूज हैं वो क्या है, सिर्फ 0 है. क्यों? आइजन वैल्यूज की सारी 0 है, तो जाहिर सी बात है इसकी आइजन वेक्टर मिलेगा ही मिलेगा, तो सेकंड हो गया और थर्ड करेक्ट हो गया. और 5i+a की जो आइजन वैल्यूज हैं वो आप बता रहे हैं कि 5 5 5 होंगी, तो डिटर्मिनेंट जो है 125 हो जाएगा. तो इसका आंसर बी सी डी करेक्ट है. करेक्ट है, ठीक है. हितेश थोड़ा और ऊपर करिए. हितेश आठवां. हाँ ठीक है सर, आठ में भी सर हमको बतानी थी कि जो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कौन कौन सी होगी, तो इसमें जो ऑप्शन दिया था सर वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी थी पहला वाला. यस सर, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी और तो डायगोनलाइजेबल हो जाती है. हाँ, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो पहला डायगोनलाइजेबल है. करेक्ट हो गया. बी बताइए. बी सर, जो बी मैट्रिक्स है सर रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनलाइजेबल हो जाएगा. डायगोनलाइजेबल ओवर सी हो जाएगा सर.
डायविजिबल है, ठीक है। सी सर हर्मिशियन मैट्रिक्स दिया है तो ये भी डायगोनलाइजेबल। ठीक है, चौथा स्क्यू हर्मिशियन है सर तो ये भी डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। मतलब चारों ऑप्शन करेक्ट है ना। यस सर। किसी कोई डाउट इतेस? नो सर, ठीक है। पीयूष? नो सर। हंसिका है कि नहीं? हंसिका सर कह रहे हैं कोई डाउट? नो सर। सिद्धार्थ? नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th में सर जो जो पहली मैट्रिक्स दी थी ये सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी क्योंकि इसमें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ईच एलिमेंट मतलब कि हर एक रो के जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो वन आ रहा है और किन्हीं भी दो रो का प्रोडक्ट वो जीरो आ रहा है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब सर डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है इसलिए ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि इसको पहचानना। ये पहचान लिया आपने तुरंत, ये अच्छी बात है। साइनी आपने पहचाना इसको? नो सर। इन्होंने क्या बोला? कि सम ऑफ स्क्वायर्स करें रोज के एलिमेंट्स का तो वन 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 आएगा और किसी हाँ। भी दो रो मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा तो वन नहीं जीरो जीरो आ जाएगा तो ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा। तो देखिए चेक करिए ए वाला हो रहा है कि नहीं ऐसा। यस सर। कोई भी दो रो लेकर मल्टीप्लाई करके देखिए चाहे सबको किसी जो हो जाएगा सर हो जाएगा ना। यस सर। तो फर्स्ट ये है ठीक है कि रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है इस वजह से डायगोनलाइजेबल है। सेकंड नंबर सेकंड सर यूनिटरी मैट्रिक्स थी इसमें भी सर जब हम मॉडुलस लेंगे हर एक रो के जो एलिमेंट्स है तो वो वन आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रोज वो जीरो आ जाएगा तो यूनिटरी मैट्रिक्स है। हाँ सेकंड यूनिटरी मैट्रिक्स है ठीक है वेरी गुड। तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगी सर। तो पहला आपका रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो है इसलिए डायगोनलाइजेबल है और दूसरा यूनिटरी मैट्रिक्स है इसलिए डायगोनलाइजेबल है। ठीक है तीसरा नंबर तीसरे में सर तो दो आइगन वैल्यू आ रही थी सर वन और टू दोनों की अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी वन वन टू टू थी तो अगर वन के कोरस्पॉन्डिंग हम सर इसकी जीएम निकाले वन का जीएम निकाले तो वो सर वन आ जाएगा नॉट इक्वल टू ए एम तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगी सर। अच्छा क्योंकि रैंक ऑफ ए माइनस आई थ्री आ जाएगा तो इसका मतलब जीएम जो है वन है मतलब ए एम जीएम इक्वल नहीं होगा वन का भी ना। यस सर। ठीक है तो थर्ड डायगोनलाइजेबल नहीं है। फोर्थ में क्या है? फोर्थ में भी सर वन वन और टू टू आ रही थी आइगन वैल्यूज तो इसमें भी सर अगर हम वन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम जीएम निकाले तो वो नॉट इक्वल टू ए एम आएगा सर जीएम वन आ जाएगा जबकि अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी टू है तो नॉट डायगोनल। तो इसका आंसर ये होगी करेक्ट है। यस सर। ठीक ठीक अब नाइन के बाद टेन थोड़ा और ऊपर करिए हितेश। टेंथ में सर रियल मैट्रिक्स दी थी ए क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी इसका मतलब सर ए क्यूब माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू जीरो तो एक्स क्यूब माइनस वन जो है वो एक एनालाइटिंग पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है तो सर इसके जो अगर रूट्स निकालेंगे सर इसके तो वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाएंगे यानी कि वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और क्योंकि सर मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करता है एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को तो मिनिमल पॉलिनोमियल की जो भी चॉइसेस होंगी वो हमेशा लीनियर फैक्टर्स में आ जाएगा क्योंकि जो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है सर वो एक्स माइनस वन एक्स माइनस ओमेगा और एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर है और मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करेगा इसको तो हमेशा ही लीनियर फैक्टर में रहेगा। ठीक है सही है। तो डायगोनलाइजेबल ओवर सी हो जाएगा सर आर नहीं होगा क्योंकि इसमें रूट सर कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं आइगन वैल्यू आया ही है आया ही है कॉम्प्लेक्स ही तो इसके जो आइजन वैल्यूज हैं वो कॉम्प्लेक्स आया ही है। यस सर। तो बी करेक्ट है सर
बी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है सर, क्योंकि डायगोनलाइजेबल है तो ट्रायंगुलराइजेबल भी होगी। ट्रायंगुलाइजेबल ओवर सी है और ट्रायंगुलाइजेबल ओवर सी है, ठीक है। Yes, चलिए, इसमें कोई डाउट, इसमें किसी कोई डाउट हितेश? नो सर, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, समझ में आया? यस सर, यही किया था मैंने भी सर, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन रहे थे ना, तो ये डायगोनलाइज ओवर सी हो जाएगा, तो डायगोनलाइज है तो ट्रायंगुलाइज तो होगा, तो ये आर वाले तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गए। चलिए, वेरी गुड। यस सर, पीयूष आप बदलिए, कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 10 में? नो सर, ठीक है। डाउट नहीं कर रहे, क्या बात है? डाउट तो नहीं है सर, बट जैसे आइगन वैल्यू वैसे सर वन 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 भी हो सकते हैं, अगर ए को आई रखें। हैं? ऐसे कैसे रख लेंगे, अपनी मर्जी से? नहीं सर, हमें दिया है ना ए रियल मैट्रिक्स है such that a cube equal to i। तो नहीं, तो सुनिए सुनिए सुनिए, उनकी बात ध्यान से नहीं आपने। a cube is equal to i है तो जो उसका एनालिटिंग पॉलीनोमियल होगा वो x cube minus 1 होगा। यस सर, ठीक है। तो x cube minus 1, x cube minus 1 को डिवाइड करना है, तो x cube minus 1 का जो फैक्टर होगा वो x minus 1 x minus ओमेगा x minus ओमेगा स्क्वायर ही होगा। Yes, नहीं पर सर एनिहिलेटिंग पॉलीनोमियल कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलीनोमियल से बड़ी भी हो सकती है ना, तो जरूरी नहीं ना कि सर कॉम्प्लेक्स में जाए आइगन वैल्यू। अरे पर मिनिमल पॉलीनोमियल हमेशा लीनियर फैक्टर में रहेगा ना। हां, मिनिमल पॉलीनोमियल हमेशा लीनियर फैक्टर में रहेगा। ऑप्शन तो ठीक है सर, मैं बस यही बोल रहा था कि जैसे आइगन वैल्यू सर जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स ही हो। नहीं, इसमें इसमें कॉम्प्लेक्स है, a cube is equal to i में कॉम्प्लेक्स है आइगन वैल्यू। जो भी क्वेश्चन है इसमें आइजन वैल्यू कॉम्प्लेक्स है ऑलवेज, कैसे बोल सकते सर? अरे है भाई, इसमें है अभी सर, तो अगर एक, अगर एक अगर नहीं अगर ऐसा होता तो आप क्या करते, आप क्या करते, आप बोल देते कि डायगोनलाइजेबल ओवर आर है। क्यों नहीं आर बोल पाए? इन जनरल नहीं बोल सकते ना सर, ऑलवेज नहीं है रियल। अब कह रहे कुछ ना कुछ डाउट तो आपको होना ही चाहिए। नहीं सर, डाउट नहीं है, बस मतलब जैसे सर आपने बीच में कह रहे कि आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स ही होगी हमेशा। नहीं, इसमें बोल रहा हूँ, इसमें इसमें तो है ही, तभी अदरवाइज आप नहीं बोल पा रहे। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए सर। 11 में जो पहली मैट्रिक्स थी वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दी हुई सर, ठीक है, तो डायगोनलाइजेबल ओवर आर हो जाएगी। रियल सिमेट्रिक, अच्छा ठीक है। यस सर, दूसरी दूसरी भी सर रियल सिमेट्रिक है तो ये भी डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। तीसरा, तीसरा सर रियल स्क्यू सिमेट्रिक है पर इसकी आइगन वैल्यू सर वो कॉम्प्लेक्स आ रही है, तो डायगोनलाइजेबल ओवर सी होगी पर आर नहीं होगी सर। आर नहीं होगी, ठीक है। फोर्थ नंबर, फोर्थ सर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। तो इसका मतलब ए बी डी। यस सर, पीयूष ठीक है ये? यस सर, कर लिया था साउंड आपने क्या पीयूष? कौन सर? यस सर, ये आपने कर लिया था क्वेश्चन सॉल्व? 10 तक किया सर मैंने। अच्छा, यस सर, तो अभी हम लोग कहाँ पहुंचे, 11? यस सर, नीतीश थोड़ा और ऊपर करिए, 12। ठीक है ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सर। इसमें दिया है सर कि a square is equal to 2i, तो इसमें सर annihilating polynomial x square minus 2 is equal to 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सर आइजन वैल्यू से वो प्लस माइनस रूट 2 हो जाएगी। मतलब तो, कि हाँ, मिनिमम पॉलीनोमियल जो है वो डिवाइड करेगा x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2 को। यस सर, तो दोनों केस में सर तो डायगोनलाइजेबल ओवर क्यू तो नहीं होगा सर, इसका मतलब सी फॉल्स हो जाएगा। सी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ए ठीक है सर, क्योंकि डायगोनलाइजेबल ओवर सी भी हो जाएगा सर, आर भी हो जाएगा, क्यू भी हो जाएगा, नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर क्यू। यस सर, यस सर, ए बी डी हो जाएंगे सर। ए बी डी, यस सर। साइनी ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। क्या बताइए आप, क्या क्या बोला इन्होंने?
सर सबसे पहले हमें दिया हुआ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2i, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो वहां से आइगन वैल्यू रूट 2 और अरे सुन लीजिए, इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल नहीं, मिनिमल पॉलीनोमियल इसका एनिहिलेटिंग पॉलीनोमियल इसका जो है x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, एनिहिलेटिंग पॉलीनोमियल। यस सर। और जो मिनिमल मिनिमल पॉलीनोमियल जो होता है वो एनिहिलेटिंग पॉलीनोमियल को डिवाइड करता है, तो यानी कि जो एम एक्स होगा वो डिवाइड करेगा एक्स माइनस रूट टू और एक्स प्लस रूट टू को, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो मिनिमल पॉलीनोमियल है वो एक्स माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू है। हाँ, और उस और उसी के आधार पर क्योंकि लीनियर फैक्टर्स में आ गया तो साइन यस सर, तो डायग्लेजेबल ओवर सी कह सकते हैं, आर कह सकते हैं, बट क्योंकि जो रूट्स आ रहे हैं मतलब वो आइजन वैल्यूज वो रेशनल नहीं है, वही रेशनल है ए बी डी, ठीक है साइन। यस सर। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सर, 13 में सर मेरे को डाउट था, 13 नहीं हुआ सर, 12 हो गया था अभी। अभी 12 हुआ, क्वेश्चन नंबर 13 सर, 13 में मेरे को डाउट था सर ये। अच्छा, तो आप इसमें क्या करिए कि a स्क्वायर प्लस i होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। यस सर। तो इसका एनिहिलेटिंग पॉलीनोमियल a का क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2x के प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ही ना। यस सर। अब मिनिमल पॉलीनोमियल इसको डिवाइड करेगा। यस सर। तो इसका मतलब कि मिनिमल पॉलीनोमियल डिवाइड्स x प्लस आयोटा होल स्क्वायर और x माइनस आयोटा होल स्क्वायर, यही ना। यस सर। तो यहां देखिएगा तो x प्लस आयोटा रिपीट हो रहा है फैक्टर, लीनियर फैक्टर नहीं है ये। यस सर। तो पहली चीज तो ये डायग्लाइजेबल नहीं है, ओवर सी डायग्लाइजेबल नहीं है सर। इसमें मिनिमल पॉलीनोमियल लीनियर फैक्टर में आ भी तो सकता है। नहीं नहीं आएगा सर, ये डाउट क्योंकि नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये इस ये मिनिमल पॉलीनोमियल नहीं आ रहा है, यहाँ एक्चुअली डायरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ वो लीनियर फैक्टर नहीं आ रहा, तो ये डायग्लाइजेबल ओवर क्या है, डायग्लाइजेबल नॉट डायग्लाइजेबल ओवर सी, ठीक है। यस सर। ये कहीं है डायग्लेजेबल, और उसके बाद एक ऑप्शन और क्या है इसमें, पहला ऑप्शन था सर डायग्नलाइजेबल ओवर सी, क्योंकि उसका मेन रीजन ये है कि मिनिमल पॉलीनोमियल कंटेन्स पावर ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1। यस सर। तो ए इज ट्रायंगुलराइजेबल ओवर सी, ये तो ठीक है सर। हां, ट्रायंगुलराइजेबल तो है। यस सर। फिर सी था सर कि इफ ए बिलोंग्स टू एम एन आर देन ए इज डायग्नलाइजेबल ओवर आर, ये मतलब तो नहीं होगा सर क्योंकि इसका इसका एक ही आंसर सही है, वो है बी। बी ये जो है ट्रायंगुलराइजेबल है ओवर सी बट नॉट डायग्नलाइजेबल। यस सर। ठीक है ना। यस सर। चलिए तो सेम है वैसी तरीके से। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 14th। फोर्टीन्थ किया था कि नहीं? यस सर। यस सर। बोलिए। इसमें सर दो मैट्रिक्स दी थी, ए मैट्रिक्स दी थी 4x8 की और बी मैट्रिक्स दी थी 8x4 की, और ए बी इज इक्वल टू आई 4 दिया था। अगर ए बी इज इक्वल टू आई 4 है सर, इसका मतलब ए बी की जो आइगन वैल्यू है वो 1 1 1 आ जाएगी 4 times। 4 times, ठीक है। तो हमको डिटरमिनेंट ऑफ 3i प्लस ba निकालना था सर। तो अगर सर क्योंकि जो नॉन जीरो आइगन वैल्यू है a b और ba की वो हमेशा सेम रहती है, अगर चार a b के पास चार आइगन वैल्यू 1 है, बल्कि नॉन जीरो आइगन वैल्यू 1 है, और इसका मतलब के पास भी सर चार आइगन वैल्यू, जो चार आइगन वैल्यू होंगी उसकी वो 1 1 1 होंगी। यस। और बाकी सारी जीरो हो जाएंगी सर, ठीक है। तो इसका मतलब 3i plus ba के पास जो जो आइजन वैल्यू आ जाएंगी सर उसकी,
वो फोर 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 टाइम्स आ जाएगा और फिर थ्री 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 फोर टाइम्स आ जाएगा क्योंकि बी ए जो मैट्रिक्स है सर वो एट क्रॉस एट की एट क्रॉस एट की है सर. ठीक है ठीक है. तो चार आइजन वैल्यू सर थ्री आई प्लस बी ए के पास चार 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 होंगी और तीन जो है वो तीन 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 हो जाएगी. ठीक है. तो डिटरमिनेंट सर वो फोर रेज टू पावर फोर इंटू थ्री रेज टू पावर फोर इज इक्वल टू ट्वेल्व रेज टू पावर फोर आ जाएगा. सी ऑप्शन सी ऑप्शन सर करेक्ट है. ठीक है. सिद्धार्थ समझ आया? सिद्धार्थ यस सर. इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये लास्ट थ्योरम जो अभी आज मैंने बताया था उसी का यूज कर रहे हैं. एक लास्ट थ्योरम नहीं था कि ए जो है एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है बी जो है एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स है वेयर एन इज ग्रेटर इक्वल टू एम देन नंबर ऑफ नॉन जीरो आइजन वैल्यूज ऑफ ए बी एंड बी आर सेम एंड इफ ए बी हैज के आइजन वैल्यूज इक्वल टू जीरो देन बी ए हैज n minus m plus k eigen values equal to 0. Also, non-zero eigen values of AB and BA are same with the same algebraic multiplicity. Kyo Pius? Isi yes, result ka, isi result ka use ho raha hai? Yes, sir, usi ka ho raha hai. To isme ye keh rahe hai ki AB identity matrix hai, 4 order ki, to AB ki jo आइजन वैल्यूज हुई वो वन हुई फोर टाइम्स. यस सर. अब आपको बीए की आइजन वैल्यूज बतानी है तो जो रिजल्ट कहता है कि जो नॉन जीरो आइजन वैल्यूज एबी की होंगी वो बीए की भी वही नॉन जीरो आइजन वैल्यूज होंगी. तो मतलब एबी की जो आइजन वैल्यूज है वन 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 फोर टाइम्स बीए की भी वही आइजन वैल्यूज होंगी. चार चार एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि बीए का जो ऑर्डर है वो आठ है. तो चार तो वन 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 हो गई और बाकी चार जो है जीरो हो गई आठ हो गई बीए की. अब थ्री आई प्लस बीए की जो आइजन वैल्यूज है ठीक है थ्री आई प्लस बीए की जो आइजन वैल्यूज है वो फोर जो है फोर हो जाएंगी और फोर जो है थ्री हो जाएंगी. फोर जो है थ्री हो जाएंगी. तो फोर फोर टू द पावर फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री टू द पावर फोर ये डिटरमिनेंट हो जाएगा. साइनी करेक्ट है? यस सर. समझ आया पूरा? यस सर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अब 15 15 है ना? यस सर. जो एक आए, एक जो मैट्रिक्स थी वो 7x6 की दी थी तो दूसरी सर इसमें दूसरी में डाउट था कि ये 4x7 के लिखा है शायद 4x7 ही है. नहीं 7x6 से फिर मैंने सॉल्व नहीं किया सर ये क्योंकि मैंने सोचा पहले 7x6 लिखा है सर इसमें होगा तो वैसे ही सर क्योंकि इसके पास क्योंकि ए बी की आइजन वैल्यू दी हुई है 0 0 0 0 2 3 4 और तो इसका मतलब सर जो नॉन जीरो आइजन वैल्यू है वो 2 3 4 है. इसका मतलब बी जो बी ए जो मैट्रिक्स बनेगी वो 4x4 की बनेगी. तीन आइजन वैल्यू तो इसकी 2 3 और 4 हो जाएगी और एक आइजन वैल्यू सर 0 आ जाएगी. तो बी ए स्क्वायर की जो आइजन वैल्यू सर वो आ जाएगी 4 9 और 16 और 0. तो सर वहां से अगर हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं सर तो 2i plus bi square की जो आइजन वैल्यू आएगी वो आएगी 2 plus 2 and 6 11 और 18. ठीक है. तो डिटरमिनेंट सर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटरमिनेंट आ जाएगा. ठीक है ठीक है सर. हाँ बोलिए सर. ये ऑर्डर क्या था ए और बी का ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा. ये 7x4 और दूसरा था 4x7. ओके सर. एक्चुअली फोर एक तो है अंदर चला गया पता नहीं चल रहा है ठीक से. सिक्स लग रहा है. हाँ यस सर. हाँ बोलिए पीयूष. सर रिजल्ट जब लिखाया था ना सर आपने हाँ तो सर रिजल्ट में था कि एन जैसे ए अगर एम क्रॉस एन की है बी
n क्रॉस m किए, तो मतलब a मैट्रिक्स का जो n है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू m चाहिए। हां सर, तो इसमें कैसे एप्लीकेबल होगा रिजल्ट? अरे आगे पीछे कर लीजिए, अरे जरूरी थोड़ी है a b उसी तरह लिखें। यस सर, जैसे आपको नजर आ रहा है आपने जो रिजल्ट था उसमें क्या लिखा था, पहले a लिखा था, आ गया पहले a लिखा था और दूसरा b लिखा था, चेंज कर लीजिए b a कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, पहले b लिख दीजिए फिर बाद में a लिख दीजिए। सर आइगन वैल्यूज तो a b की दी है ना? हाँ तो क्या दिक्कत है, आप बता तो उल्टा रहे ना, ए बी का एक ए बी की जो नॉन जीरो आइजन वैल्यूज होंगी वो बी ए की भी आइजन वैल्यूज वही होंगी, जैसे भी हो आगे पीछे लिखने से नहीं कोई फर्क पड़ता ना। ओके सर, आप एकदम उसी आर्डर में देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली ए बी को आप चेंज कर सकते हैं इधर उधर। अब पहले इसमें सेवन क्रॉस फोर लिखा है, आप पहले जो है 4x7 लिख सकते हैं, समझ गए? यस सर। हाँ डिपल आगे 17। सर ये 16 में मेरे को पता नहीं लग रहा था सर, ये ए 9x6 लिखा है सर कि 9x4 लिखा है? हाँ ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा, फिर ए बी माइनस बी ए सर ये डिफाइन ही नहीं हो रहा था, तो ये जो है 9x4 ही होगा जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ 9x4 है, 9x4 और 4x9, तो ए बी सर मैट्रिक्स बन जाएगी 9x9 की और बी ए सर 4x4 की। पीयूष को बताने दीजिए, पीयूष देखिए यहाँ भी पहले 9x4 लिखा है, यस सर, और दूसरा लिखा है बी 4x9, ठीक है? Yes, तो sir. आपको आपको जो है ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए बताना है क्या होगा, जीरो होगा या नहीं, टू है फॉल्स। तो आपको पता है कि जो ए बी की जो नॉन जीरो आइजन वैल्यूज हैं वही नॉन जीरो आइजन वैल्यूज बी ए की भी हैं, ए बी एंड बी ए हैव द सेम नॉन जीरो वैल्यूज। ए बी सर एक मैट्रिक्स 9x9 की बनेगी, एक 4x4 की, सर माइनस कैसे करेंगे हम? अरे यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि ट्रेस पूछा जा रहा है, ट्रेस यहाँ पे ट्रेस की बात हो रही है, ए बी माइनस बी ए का ट्रेस, मतलब ऐसे लिखना चाहिए हमको कि ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए लिखना चाहिए, तब आप समझ जाते हैं। ऐसे नहीं लिखना चाहिए ना, ये आप सही कह रहे हैं, ये लिखना चाहिए इसको ऐसे लिखना चाहिए, ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए लिखना चाहिए था, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि यहाँ ये अलग अलग हो गया, उसे सही कर लीजिएगा आप लोग ना, कि ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए इक्वल टू जीरो, ये सही है कि नहीं, ट्रू हुआ कि नहीं? यस सर, तब ट्रू है सर। टिम्पल नहीं गलत लिखा होगा ये। यस सर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। सर 17 में 4x11 की मैट्रिक्स दी थी ए, और बी 4x4 की मैट्रिक्स दी थी, और ए बी बोला था ए बी इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर सर ए बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है इसका मतलब इसकी सारी की सारी आइजन वैल्यू वो नॉन जीरो होंगी क्योंकि इन्वर्टिबल होती है। तो उसके बाद इसका मतलब सर जो ए बी सर जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 4x4 की, और जो बी सर जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 11x11 की। तो बी ए के पास सर सारे जो ए बी के पास जो नॉन जीरो आइजन वैल्यू होगी वही बी ए के पास नॉन जीरो आइजन वैल्यू होंगी, और उनका नंबर भी सेम रहेगा। अगर ए बी के पास चार नॉन जीरो आइजन वैल्यू है तो बी ए के पास भी चार नॉन जीरो आइजन वैल्यू होगी, सात जीरो हो जाएंगे। यस सर, और इसका मतलब सात आइजन वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो बी और सी ठीक हो जाएगा सर, बी और सी ठीक हो जाएगा, और
बी ए भी सर ठीक हो जाएगा, इस डी सर, डी ए डी भी सर ठीक हो जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन है सेकंड थर्ड फोर्थ ना, यस सर, यस ठीक है करेक्ट। क्यों समझ आया? यस सर, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है एग्जैक्टली फोर आइजन वैल्यूज ऑफ बी ए आर नॉन जीरो, ओके सर, तो सही बात है ना ये तो, यस सर, क्योंकि आपने पहले बोला कि ये भी ऑर्थोगोनल है, यस सर, तो चार लाइन चार आइजन वैल्यूज उसकी नॉन जीरो होंगी, चार आइजन वैल्यूज, यस सर, तो बी ए की भी चार आइजन वैल्यूज नॉन जीरो हो जाएंगी, सात जो है जीरो हो जाएंगी, ये भी ठीक है, यस सर, क्योंकि क्योंकि बी ए का ऑर्डर 11 था, तो चार नॉन जीरो तो सात जीरो, बी ए विल नेवर बी ए निलपोटेंट मैट्रिक्स, ये भी सही बात है, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्यों नहीं होगा? साइनी बताएंगी, साइनी यस सर, ये निलपोटेंट क्यों नहीं होगा? तो फिर सारी आइगन वैल्यू जीरो जीरो होगी ना, मतलब निलपोटेंट होने के लिए सारी आइजन वैल्यू जीरो चाहिए थी, और यहाँ पे चार आइजन वैल्यूज नॉन जीरो है इस वजह से ना, यस सर, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18, यस सर, ए स्क्वायर मैट्रिक्स दी थी सर चार ऑर्डर की, और डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस थ्री आई इज इक्वल टू जीरो दिया था, तो इसका मतलब है सर कि जो ए माइनस थ्री आई के पास जो एक आइगन वैल्यू वो जीरो आ जाएगी, इसका एक आइगन वैल्यू थ्री, यस सर, इसका मतलब है कि ए की जो एक आइगन वैल्यू थ्री आ जाएगी, उसी तरह सर जो ए माइनस फोर आई का डिटरमिनेंट जीरो दिया था, तो इसका मतलब ए की एक आइगन वैल्यू फोर भी है, तो दो आइगन वैल्यू आ गई सर थ्री और फोर। उसके बाद सर रैंक ऑफ ए माइनस फाइव आई जो वो टू दिया, इसका मतलब नलिटी ऑफ ए माइनस फाइव आई जो वो टू दिया है, टू आ जाएगा, तो इसका मतलब सर ए माइनस फाइव आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो के पास तो दो लिनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे, तो इसका मतलब सर अगर फाइव एक आइजन वैल्यू और जिसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सर जो है टू आएगी, तो क्योंकि सर ए एम तो हमेशा बड़ा और इक्वल होता है जी एम के, तो इसका मतलब सर अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ फाइव वो टू आ जाएगी, तो इसका मतलब सर ए के पास जो आइजन वैल्यू आएगी वो आएगी थ्री फोर फाइव एंड फाइव, तो पहले तो ए ऑप्शन तो ठीक है सर कि ए इज डायगोनलाइजेबल, क्योंकि फाइव की जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों बराबर है, और थ्री और फोर की भी, ठीक है इस तरह ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा ऊपर खिसका दीजिए, ये सर जरा इसको और ऊपर थोड़ा कर दीजिए स्लाइड को सर, यहाँ से तो कर दिया मैंने, सिग्नल वीक हो गया, अच्छा अच्छा हाँ हो गया ठीक है, ये सर, तो ए की सर आइजन वैल्यू जो आएगी वो आएगी तीन चार और पांच पांच, और चार सर लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे ए के पास, गुड, एक तीन के कॉरस्पॉन्डिंग, एक चार के कॉरस्पॉन्डिंग और दो पांच के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ए डायगोनलाइजेबल तो हो जाएगी, ऑप्शन ए सर ठीक हो जाएगा और ऑप्शन बी सर गलत हो जाएगा, बी गलत हो गया, और डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई, ए प्लस आई, ए प्लस आई के पास जो आइजन वैल्यू सर आ जाएंगी वो आएगी फोर प्लस फाइव और सिक्स सिक्स, सिक्स सिक्स हाँ, तो उनका सर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट जो है वो 720 आ जाएगा, मतलब कि सी ऑप्शन, सी भी करेक्ट हो गया, तो डी फॉल्स हो गया, ठीक है मतलब ए और सी करेक्ट है, यस सर, सिद्धार्थ आप बताइए क्या बताया इन्होंने, सिद्धार्थ यस सर बताइए सर, हमारे पास यहाँ पे तीन टाइप गिवन है, मतलब सर तीन तरीके गिवन है आइगन वैल्यू निकालने के, फर्स्ट है कि ए माइनस थ्री आई इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से हमारे पास सर एनालिटिक पॉलिनोमियल निकलेगा एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से एक आइगन वैल्यू निकलती है थ्री, नेक्स्ट है सर ए माइनस फोर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, एनालिटिक पॉलिनोमियल एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, आइगन वैल्यू आ गई फोर,
एनालिटिक पॉलीनोमियल मत बोलिए इसको, ये एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ए माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो लिखा है ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं इसको। यस सर, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलिए कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है पहला दिया है, तो जो इस ए माइनस थ्री आई कंट्रीब्यूट जीरो दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी एक आइजन वैल्यू लैम्डा है, मतलब थ्री है। यस सर, कैरेक्टरिस्टिक पॉलर, हाँ ठीक है, आगे बोलिए। एक थ्री है आइजन वैल्यू, एक फोर है, और दूसरा सर रैंक दी है सर ए माइनस फाइव आई की टू है, तो सर नलिटी भी टू होगी क्योंकि ये फोर ऑर्डर का मैट्रिक्स, क्योंकि सर स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर फोर दिया है, तो यहाँ से सर दो फाइव ऑर्डर के दो मतलब दो आइगन वैल्यू निकलेंगे फाइव कॉमा फाइव, तो सर यहाँ से मतलब थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव कॉमा फाइव ये चार आइगन वैल्यूज आ रहे हैं, और जब हम फाइव पे चेक करते हैं तो उसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सर इक्वल आ रही है, ठीक है। तो सर यहाँ से ये पता चलता है कि ए डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, यस सर, और डिटरमिनेंट निकालेंगे इसी के अकॉर्डिंग, यस 720 आ जाएगा। यस सर, चलिए ठीक है। अब ये तो हो गया, अब आगे का क्वेश्चन किसको दें सॉल्व करने के लिए? पीयूष को दे दें कि अंशिका को दिया जाए? कौन करेगा? पीयूष अंशिका में डिसाइड करें आप लोग। आगे के सर दिए कहाँ है सर अभी? अरे दे देंगे ना, आप क्यों चिंता करते हैं? ठीक है सर, आप चिंता मत करिए, हमको लिखना ही है। यस सर, तो किसको दें, आपको दें अंशिका को? कर लूंगा सर मैं। अंशिका यस सर, आपको क्वेश्चन दें कि पीयूष को देते हैं करने के लिए कल का डिस्कशन? सर देख रहे हो आप? चलिए बाद में देते हैं आपको, पहले पीयूष को दे देते हैं, ठीक है? यस सर, चलिए ठीक है पीयूष, कल आप, कल आपकी जिम्मेदारी। वैसे अब मैं आज क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा और क्वेश्चन होगा जो है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पे, ठीक है सर? जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पे जो कल मैं बताऊंगा वही रहेगा, लेकिन पहले ही दे दूंगा ताकि आप पहले भी पढ़ लें जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है? और हितेश भी पढ़ लेंगे, क्यों हितेश? कल सुबह हम उसको डिस्कस कर लेंगे उसका थियरी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है? ठीक है, रहने देते हैं फिर, कल सुबह मिलते हैं 6:30 बजे, ठीक है? यस सर।